या तो बूते वो अर्चना देशमुख हमारी तरफ ही आ रही है। एक तो काम करते हैं बाजू अजाबत, दोनों भी अगर कुछ किया ना दाद देंगे शादी का। यहाँ आ जाए, आ जाइए। यादव यहीं आ रही हो, मुझे अपना गिरफ्तार करवा के रहेगी। हम देखा था आबादी आबादी करने की कोशिश किया तो उड़ा देंगे ये काम। अर्चना वही खड़ा रहे। ए देशमुख। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। ए विष्णु आते बंदूक मार नीचे कर, नीचे कर। ए दस ससुरे, हम तब तक एका नीचे नहीं करेंगे तब तक हम सुरक्षित नहीं हो जाते। ससुरे तुम लोग हमको हजार बार पकड़े हो लेकिन हर बार बच के निकले, आज भी निकल जाएंगे लेकिन ये अर्चना देशमुख को नहीं छोड़ेंगे हम आज। ए कोना मिलने की कोशिश नहीं करेगा समझे, नहीं तो मार देंगे एका हम। श्री अर्चना देशमुख तब देखो हमारी पीछे पड़ी है, तुमने नहीं आवत है। ए, ए, का हाथ लगा बताया मेरे को, दूर अपना हाथ, कोना भी आए बीच में तो मार देंगे। बेटा 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 कौन है बेटा कह रही, ससुरी पहले हमको मारने का प्लान बना बैठे फिर बेका का पा हमरे साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत कर, यहीं ठोक डाल रही हम तो रुको। तो मेरी बात सुन, आज तक मैंने तुझे कुछ भी करने से कभी नहीं रोका लेकिन भगवान के लिए आज मेरी बात सुन ले, ऐसा मत कर विष्णु। अभी तेरी जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है विष्णु, ऐसा मत कर, भगवान के लिए छोड़ दे। नहीं माई तू नहीं रोकेगी आज हमको, ले पांच मगर हम यहाँ से नहीं गए तो तू गई समझी। चल मेरे साथ चल। हे विष्णु हम तुम पर गोली नहीं चलाए, कोई नहीं गोली चलाएगा, तू बंदूक मार नीचे कर अर्चना को छोड़, ये देख ये देख। ए पागल समझा का हमको, ये तो हम छोड़ेंगे नहीं, तुम साले कायर लोग मालूम नहीं कितना फौज लेके आए हो अपना, हमरे को कोनो भी गोली मार सकता है समझे कि नहीं। ए लाला ए पुलिस की बात पे विश्वास मत करना, ये सब गिरफ्तार के निकल गया है तो का भाग भाग जा यहां से भाग जा। ए अब क्या कह रहे हैं, नहीं विष्णु विष्णु मेरी बात मान मत, तू भगवान के लिए तो मत कर। इंस्पेक्टर अपना लोगन से कह चला जाए नहीं तो हम लोग यही मार देंगे का समझे कि नहीं। भाई तू शांत रहना बीच में मत आना। ए बाबा बाबा हम भाग जाएंगे यहाँ से, हमको देख लेना ठीक है। ए देशमुख तूने भी अगर गुस्ताखी किया तो तू भी गया आज समझा के नहीं, तेरे पूरे खानदान को खत्म कर देंगे हम। ए कहाँ सो हम कहाँ लगा रही है हमको हसका रही है। हाँ तू जाना थे हम जब इंसान की मौत आबत है वो पागल हो जाबत है, कभी हसत है कभी रोबत है, तू भी हंस ले छोड़ेंगे नहीं हम तोरे का, समझ में आया बता कि नहीं। हे अगर हम कोई पुलिस से बचना है तोरे को अपने साथ लेके जाना होगा, चल मेरे साथ। हे हंसता बंद कर चल। हे बीच में नहीं आना, देख विष्णु हे हट जा यार, देख देख कोई भी बीच में आए तो मार देंगे उड़ा देंगे का समझा। भाई सांद्रे सांद्रे भाई हे बात दीजिए। हे
मुझे अर्जुताई और मानव जीजू को बताना होगा कि बिस्लू ही सोहम है, वरना पुलिस उसे मार देगी। चल, आज हम दोनों पति को भी यहीं मार देंगे, फिर खेल खत्म। ये देख, ये हमारा इलाका है, हमारी इजाजत के बगैर कोई पंजाबी पर नहीं मार सकते यहाँ। चल हमारे साथ। तुम बच के ठीक तो है ना बेटा, तुझे कहीं लगे? ये कहाँ लगा रखा है? कहाँ बेटा बेटा? ठीक हो ना अर्चना? मानव, ये हमारा सोम है मानव, अपने इसी को गोली मार दी मानव। सोम आके गोल, सोम आके गोल, सोम अपनी आंखें खोल, मैं तेरे आई हूँ सोम आके गोल। मानव कुछ ठीक ही, हमारा सोम मर जाएगा। तेरी वजह से मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। 18 साल तक मैंने उसे तुम लोगों से दूर रखा, बचपन से लेकर आज तक खुद की जान से ज्यादा प्यार किया है उससे, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, रात रात भर सोई नहीं हूं उसके लिए, बीमारी में उसका ख्याल रखा, कभी खरोच तक नहीं आने दी, कितना सुरक्षित था वो मेरे साथ, और आज तुमने उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया। भाई तू और जीजू खुद को उसके आई बाबा कहलाते हैं ना, ऐसे होते क्या आई बाबा? हाँ, क्या कोई आई खुद अपने बेटे को मौत के मुंह में ढकेल दिया? बता, क्या कोई बाप खुद अपने बेटे को गोली मारता है क्या? ऐसे होते आई बाबा? पे लगाम दे, नहीं तो ऐसा हालत करेंगे कि सीधा जेल में डाल देंगे, अब 5-6 साल के लिए फरफराता रहेगा सस्ता। एक दोस्त मत दिखा हमका, कर ले जो कर ले। बेटा दोनों को खोदूंगी, मैंने अपने बेटे का 18 साल तक इंतजार किया थे, जो आज वो मेरे साथ है, तो मैं उसे खोना नहीं चाहती थी, जो मैं उसे खोना नहीं चाहती। तू
तू किसी के बारे में मत सोच, तू सिर्फ मेरे बारे में सोच, मेरे बारे में भी नहीं, अपने पापा के लिए, अपने पापा के लिए तो इतना कर सकती ना तेजू, तू मेरी बेटी है ना, इतना करेगी ना मेरे लिए, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ तेजू, मेरे पति को और मेरे बच्चे को बचा ले प्लीज प्लीज तेजू प्लीज प्लीज। मैं उसे खून दूंगी। लेकिन आप ये मत सोचेगा कि मुझे उससे कोई हमदर्दी है, मैं सिर्फ अपने बाबा के लिए उसे खून दे रही हूं। जाइए डॉक्टर साहब, इसे ले जाइए, चाहते जो आइए आइए, आप जल्दी अंदर आइए। वो एक गुंडा है, ये मत सोचिएगा कि मैं उसे कभी अपना भाई बोलूंगी, इसे क्रिमिनल गुंडा है वो, आई हेट हिम। ये है मानो देशमुख, इसने अपने बेटे का खून किया और फिर यहाँ आकर ये सिलेंडर कर गया। हमको मालूम है यादव, लेकिन इनका बेटा अभी मरा नहीं है। क्या मेरा बेटा जिंदा है? दुबे जरा उनको बाहर निकालो। बेटा बताइए ना, मेरा बेटा जिंदा है? हाँ आपका बेटा जिंदा है, लेकिन कंडीशन काफी क्रिटिकल है, डॉक्टर कुछ भी कहने से मना कर रहा है। इंस्पेक्टर मुझे नहीं पता था वो मेरा बेटा है, मैंने तो अर्चना को बचाने के लिए गोली चलाई थी, मेरी कोई गलती नहीं है। जानते हैं देशमुख साहब, हम बात दरअसल ये हुई कि जब आप और तेजू वर्षा को ढूंढने के लिए निकले थे, उस समय हम चंपा से पूछताछ की, चंपा से हमको मालूम चला कि सोहम ही विष्णु है, लेकिन ये बात हम आपको बताने ही वाले थे कि ये घटना घट गई और आप विष्णु के पीछे निकल गए और वहां जाकर गोली मार दी। हम जानते हैं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने जो कुछ भी किया है अपने बीवी को बचाने के लिए किया है। मैं तब तो बेटे से मिलना चाहता हूँ इंस्पेक्टर साहब, वैसे भी मैंने तो सरेंडर भी कर लिया। देखिए मैं आपको आपके बेटे के पास लेकर चलता हूँ। यादव एक काम करो, पेपर तैयारी कर लो, ठीक है? इनको मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, आइए। साला मानव देशमुख, बचना नहीं चाहिए वो, तो हमारे लाला पे गोली चला है, वो की वजह से लाला की हालत है, ढूंढा होगा जहां भी, टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक दो, इस शहर से बचकर जाना नहीं चाहिए वो। ए हरामखोर, तूने हमारे लाला पे गोली चलाया, आज नहीं छोड़ा तो कम के लिए किया, मुझे नहीं पता था कि मैं हमारे बेटे पर गोली चला रहा। तुम्हें खोने का डर मेरे दिल और दिमाग पे इस तरह से छा गया था कि मुझे कुछ और नजर नहीं आया। उस वक्त अगर तुम्हारी आंखों में ममता को देख लेता तो शायद मैं कभी ऐसा नहीं करता अर्चना, कभी नहीं करता। कितना बदनसीब बापू मैं, जिस बेटे को पाने के लिए 18 साल से मैं अपने साथ
अपनी सजा धरा, उसके सपने देखता रहा, उसे मैंने अपना हाथ उस दी। मैंने सोचा था सोम मिल जाएगा, हमारा परिवार पूरा हो जाएगा, लेकिन मैंने हमारे परिवार में सब मेरी बच्चे से अपने हमारे सोम को पाने से पहले ही खो दिया। मुझे माफ कर दो अर्चना, मुझे माफ कर दो। माना, मैं जानती हूँ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब अपने आप को दोषी मत मानिए और अब शांत तुझे यहाँ बैठिए। माना, मेरी तरफ देखिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। माना, गलती मेरी है जब मैं किसी को बिना बताए, माना जब मुझे पता चला ना कि विष्णु हमारा सोम है, तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैं जज्बातों में इतनी खो गई थी कि मैंने किसी को नहीं बताया। मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं अंजना, आप कह रहे हैं हमारा सोम, ये माँ का फर्ज होता है। वर्षा, माँ अपने बच्चों को क्या सिखाती, उन्हें अच्छे संस्कार देती, अच्छी परवरिश देती, लेकिन तूने मेरे बेटे को इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। तूने अच्छा नहीं किया। तूने क्या सिखाया सोहम को? किडनैपिंग करना, चोरी करना, ये एक माँ का फर्ज होता है। तू मुझे कहती है ना मैं माँ बनने के लायक नहीं, तो तूने कौन सा अपना फर्ज पूरा किया? तुझे लगता है तूने अपना फर्ज निभाया? नहीं वर्षा, हाँ सोहम की जो भी हालत है वो सिर्फ तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से। उन्हें मेरे सोहम को मुझसे छीन लिया, आज सिर्फ तेरी वजह से वो गुंडा बन चुका है। तुझे पता है उसके मन में एक खौफ सा बैठ गया है कि पुलिस कभी भी आएगी और उसे अपने साथ लेकर चली जाएगी। इसलिए जब मैं उसके पास गई ना, तो उसने पुलिस को मेरे साथ देखा। उससे लगा कि पुलिस उसे ले जाएगी। उसकी आंखों में मेरा प्यार नहीं दिखा। बेटा कह रहे डर दिखा कि पुलिस उसे कभी भी लेकर जा सकती है, सिर्फ तेरी वजह से। तूने मेरे बेटे को इस इंसान के साथ रखा जो खुद एक गुंडा है, ये तो खुद गुंडा और मेरे बच्चे को भी गुंडा बना दिया। तूने सोम की जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे बेटे की जिंदगी नर्क बना दी। बकवास मत करो, सोम हमारा बेटा है, क्या शिक्षा देनी है और कैसे परवरिश करनी है, इसका अधिकार हमका है, सिर्फ हमका। तू कौन होती है रे हमको सीख देने वाली? एक बार हमारे लाला को होश में आ जाए, उसके बाद हम तुम सबका देख देंगे। क्या बोल रहे थे? शरीफ कमजोर नहीं, अगर मेरी बीवी या मेरे बेटे की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो कब बार बार बेटा बेटा बोल रहा है। अगर वो तेरा बेटा होता तो उसके सीने पे गोली चलाता। तू लाला हमारा बेटा है, हमारा। तो मैं हिम्मत है ना, छोड़ दिखा उनका बात, देख का असर करते हैं हम तुम लोगों का, देख उसके बाद। एक्सक्यूज मी, पेशेंट की माँ कौन है? मुंबई पुलिस। मिस्टर बालन, मुझे आपको और इन्हें अरेस्ट करना होगा। किस जुर्म में? इनके बेटे को किडनैप करने की जुर्म। इंस्पेक्टर साहब, हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन मेरा बेटा आईसीयू में, मुझे बस एक बार उसे देखना है, फिर हम चलेंगे, प्लीज बस एक बार। इंस्पेक्टर ले जाइए। चलो ले चलो। नहीं,
नहीं मेरी बात सुन, एक बार सही ने कहना मुझे, एक बार सोम को देखना है प्लीज सही, प्लीज मुझे कहना, मुझे मत लेके जाए, मुझे सिर्फ एक बार देखना, मेरी बात सुनिए, मुझे मत लेके जाइए, एक मिनट बाद खोल, तुम्हें एक बार मुझे देख सो, मैं तेरी आई हूं, मुझे देख सो, मैंने 18 साल इंतजार किया है, कब तू आएगा, बस तेरे मुंह से यह सुनने के लिए, बोल ना आई, एक बार आई, आई कहते प्लीज माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, सब कुछ मेरी वजह से हुआ, तो हम एक बार आके खोल ना, बच्चा मेरा बच्चा। मिस्टर मानव, डॉक्टर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए ना। देखिए इनिशियली तो हमने ऑपरेशन करके गोली निकाल दी है, लेकिन ही इज इन अ क्रिटिकल स्टेट, गोली हार्ट के पास लगी थी, हमें उनकी दोबारा सर्जरी करनी होगी। डॉक्टर आपसे, आपको जो करना है जल्दी कीजिए, आपको सर्जरी करनी है सर्जरी कीजिए, लेकिन मेरे बेटे की जान बचा ली। देखिए जब से केस हमारे पास आया है तब से हम मुंबई और दिल्ली के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लकीली हमें अभी एक बहुत ही ब्रिलियंट डॉक्टर लोकेट हुआ है। हाँ तो उन्हें तुरंत बुलाइए, देखिए उनकी फीस, उनके टिकट का फेयर, जो भी एक्सपेंसेस होंगे मैं मैनेज करवा दूंगा, मैं टिकट अरेंज करवा देता हूँ। देखिए वो नहीं आ सकते हैं, वो इस समय मुंबई में हैं और एक अर्जेंट केस हैंडल कर रहे हैं, उनका नाम डॉक्टर ऑनर भट्टाचार्य है और वो वर्ल्ड वाइड रेनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट है और प्लस कार्डियोथेरेपिक सर्जन भी है, वो वॉर जोन के ट्रॉमा स्पेशलिस्ट भी है, अगर वो आपके बच्चे का ऑपरेशन करेंगे तो निसंदेह आपका बच्चा बच जाएगा। आपको आपके बेटे को लेकर मुंबई जाना होगा, मैंने आज ही उनसे बात की है और वो तैयार है आपके बेटे का ट्रीटमेंट करने के लिए। तो आप तुरंत डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाइए, मैं अपने बेटे को मुंबई शिफ्ट करने की तैयारी करता हूँ, चाहे जो हो जाए डॉक्टर, मैं अपने बेटे की जान बचा कर रहूंगा। ठीक है मिस्टर मानव, मैं पेपर तैयार करता हूँ, आप तैयारी कीजिए। मिस्टर मानव, आई होप मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने ये जानने के लिए फोन किया था कि अब आपका बेटा कैसा है। वो इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में है। वहाँ दरभंगा में उसे सही ट्रीटमेंट मिल रहा है ना? नहीं इंस्पेक्टर, हम लोग अभी दरभंगा में नहीं है, हम लोग हमारे सोहम को लेकर मुंबई आ गए सिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर उनिर भट्टाचार्य सोम का केस हैंडल कर रहे हैं। मिस्टर मानव डोंट वरी, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। इट्स नॉट, ये मैंने क्या कर दिया, मेरी वजह से। नहीं मानव, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ, सच क्या है ये हम जानते हैं मानव,
देखिए भाई, हम अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते हैं हम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह हमारे सोहम को ठीक कर, बड़े से बड़ा डॉक्टर, अच्छे से अच्छा इलाज हम कर रहे हैं। आप क्यों अपने आप को दोषी समझ रहे? आप देखिएगा, हमारा सोहम बहुत जल्दी ठीक हो जाए। आपको बप्पा पे विश्वास है ना? ऑपरेशन से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज करनी है तो आप इन पर साइन कर दीजिए प्लीज। अर्चना, दरभंगा हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा था कि डॉक्टर अनिल भट्टाचार्य बहुत ही काबिल और एक्सपीरियंस डॉक्टर है। उन्होंने ऐसे कई सारे केसेस हैंडल किए हैं। तुम देखना, हमारे सोहम का ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। अर्चना, इस सब हड़बड़ी में हम लोग सुलोचना आई को बताना ही भूल गए। मैं काम करता हूँ, मैं फोन कर देता हूँ उन्हें। हम ठहरे अहिंसा बात, हम तो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो जो हमारा तीन फ्रेंड है ना, बहुत नालायक है। ससुरा मुंह से कम हाथ से ज्यादा बात कर। अच्छी, उस दिन मैंने उनकी आंखों में, उनकी बातों में वो सच्चाई देखी थी जो मैं आज तक नहीं भुला पाई, और अनजाने में ही सही। लेकिन उन्होंने बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह बर्ताव किया मेरे साथ, मेरा ख्याल रखा। देखा जी, मैं मानती हूँ कि उन्हें बहुत सारी बुराइयां होंगी, मगर उन बुराइयों की वजह से हम उनकी अच्छाइयों को अनदेखा तो नहीं कर सकते ना जी। उन्हें परवरिश गलत मिली है, लेकिन उनकी रगों में तो खून आई बाबा का ही है ना जी। तो फिर वो बुरे कैसे हो सकते हैं जी? वो आज ऐसे इसलिए बने हैं क्योंकि उन्हें ऐसे माहौल में रखा गया था। उन्होंने जो देखा वही उन्होंने सीखा। आजी, इसमें सोहम दादा का कोई दोष नहीं है। सारा दोष वर्षा का है। आजी, वही तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब दोष तो हम दादा का है ही नहीं, तो फिर हम उन्हें बुरा क्यों कह रहे हैं? और वो चाहे बुरे हो या भले, है तो हमारे अपने ही ना आजी। और ये वक्त किसी को दोष देने का नहीं आजी, वहां सोहम दादा की जान खतरे में है। सोहम की जान खतरे में, क्या मतलब? आजी, आई और बाबा जब दरभंगा गए थे ना, वहीं उनकी उन लोगों के साथ कुछ अनबन हो गई। इस पर सोहम दादा ने आई पर बंदूक तान दी, और बाबा ने सोहम दादा पर गोली चला दी। ये तो क्या कह रही है? हाँ, ये सब तो मुझे आप बता रही है। मर चुकी से और सोहम कैसा है? अच्छा, ये सब कुछ मैं तुझे रास्ते में बताऊंगी, अभी हम चले। पता नहीं मेरी अर्जु कितने साल में होगी, कैसी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।